अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि बेटे आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की 10th की जो तैयारी है वो अच्छी हो रही होगी। अल्लाह ताला से दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए और आप यूं ही जो है वो दिन रात एक करके या जिस तरह थोड़ी थोड़ी मेहनत करके तो अल्लाह ताला आपको जो है ना वो कामयाबी अता फरमाए। तो बेटे वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचर पर, जहाँ पर आज जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ वो बेटे 10th क्लास की बायोलॉजी के गेस्ट पेपर्स के मुतल्लिक है, न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपके लिए जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी और आप लोग उसको जो है ना अच्छी तरह से कवर भी कर लेंगे, ठीक है जी। तो इसमें बेटे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप दुरूद पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा, फिर इंशाल्लाह मैं ज़्यादा तवील नहीं करूंगा, कोशिश करूंगा जितना शॉर्ट कर सकूं वीडियो को मैं शॉर्ट करूं। तो चंद एक चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो कि आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो ज़रा आप लोग देख लें। जो आपका पेपर होना बेटे 2023 का, 10th क्लास का, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, 9th क्लास का भी सेम, वो बेटे तीन हिस्सों में जो है ना डिवाइड किया गया है। उसमें पहला हिस्सा जो है ना वो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस का है, दूसरा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस का है और तीसरा जो है ना वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस का है। तो ये जो मैंने गेस्ट पेपर तैयार किए हैं ये तीनों को जहन में रखते हुए और नज़र में रखते हुए जो है ना वो तैयार किए हुए हैं। तो इन तीनों की मैंने अलग अलग पार्टीशन कर दी हुई है, आप तीनों जो है ना वो साथ साथ नोट करते जाएंगे। आप लोग अपनी नोटबुक वगैरह पकड़ लें या बुक पकड़ लें और स्टेप बाय स्टेप चैप्टर वाइज जो है ना मैंने ये सारे बनाए हुए हैं, तो आप लोग इसको नोट करते जाइएगा। ये जो गेस्ट पेपर है ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए है, साहिवाल बोर्ड, मुल्तान, गुजरावाला, लाहौर बोर्ड, सरगोधा, फैसलाबाद, बहावलपुर, आज़ाद कश्मीर और डेरा गाजी खान, ये सब के लिए जो है ना वो गेस्ट पेपर है, ठीक है जी। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा दुरूद पाक पढ़ लीजिए ताकि अल्लाह ताला बरकत फरमाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 10 की बात करते हैं, गैसियस एक्सचेंज। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन 50% बेटे, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीथिंग एंड सेलुलर रिस्पायरेशन, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ स्टोमा एंड लेंटी सेल। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मेंट बाय सेलुलर रिस्पायरेशन। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू द गैसेज एक्सचेंज अकर इन प्लांट्स, व्हाट इज लेरिंक्स, वेयर इट इज प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, व्हाट इज नमोनिया, राइट इट्स सिम्टम्स। क्वेश्चन नंबर 8 बेटे, व्हाट इज निकोटीन। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज वॉइस बॉक्स। 10, डिफाइन लेंटिसेल। और 11 बेटे, डिफाइन एल्वियोलर डक्ट्स, ठीक है। ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन यानी कि जो आपकी बुक में जो क्वेश्चन आ सकते हैं ये सारे मैंने वो वाले शेयर किए हैं, ठीक है, ये सारे मैंने हाईलाइट भी कर दिए हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 में से जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है 35% होंगे, उनमें बेटे ये तीन जो है ना वो इस साल के लिए इम्पोर्टेंट है। हाउ डू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स प्लांट बॉडी एक्सचेंज गैसेस विद द एनवायरनमेंट। और क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज द तंबाकू स्मोक डैमेज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। और इसी तरह जो मैंने तीसरा क्वेश्चन आपसे आपसे डिस्कस किया था, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है 15%, उसमें दो क्वेश्चन जो है ना इस साल के लिए इम्पोर्टेंट है, इन्वेस्टिगेट द ब्रीथिंग एट एट रेस्ट एंड आफ्टर एक्सरसाइज, ठीक है। सांस जब आप एक्सरसाइज लेते हैं उससे पहले आपका जो ब्रीथिंग रेट थी वो क्या था, और ये एट नहीं बेटा ये रेट है, ठीक है, ये RATE रेट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड आउट हाउ मच एयर अ पर्सन कैन टेक एयर इन टू हीज लंग्स। उसके बाद बेटे इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन, वट इज ब्रोंकाइटिस, डिस्क्राइब इट्स टाइप्स एंड सिम्टम्स, वट इज एम्फिसीमा, एक्सप्लेन इट, डिस्क्राइब द बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। ये चैप्टर नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद बेटे चैप्टर नंबर 11, होम्योस्टेसिस, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन 50%। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज गुटेशन एंड ट्रांसपायरेशन, व्हाट आर सेक्यूलेंट ऑर्गेनेंस, व्हाट इज रेनल ट्यूब्यूल एंड रेनल कॉप्सल, डिफाइन
पायरामिड्स एंड पेल्विस, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑस्मोरेगुलेशन एंड थर्मोरेगुलेशन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन जायरोफाइट्स एंड हाइड्रोफाइट्स, ठीक है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हाइलियस एंड पेल्विस, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉर्टेक्स एंड रेनल मेडियोला, डिफाइन प्रेशर फिल्ट्रेशन, व्हाट इज मेंट बाय किडनी ट्रांसप्लांट। अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन 35%, हाउ डू द प्लांट्स एक्सक्रीट एक्स्ट्रा वाटर एंड साल्ट फ्रॉम देयर बॉडीज, व्हाट स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन द किडनी एंड व्हाट इज फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है जो कि 35% इस चैप्टर में से तीन जो है ना वो बनाए जा सके। उसके बाद एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है ना वो 15% है, वो एक ही क्वेश्चन है, ट्रेस द मूवमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूलर अ मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया फ्रॉम ब्लड टू यूरेथ्रा, ठीक है, एंड फ्लो चार्ट डायग्राम। लॉन्ग क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 11 में से इंपॉर्टेंट है बेटे, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, डिस्क्राइब द ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ द किडनी, व्हाट इज मेंट बाय डायलिसिस, एक्सप्लेन इट्स टू मेथड्स एंड एट द एंड एक्सप्लेन किडनी ट्रांसप्लांट। ठीक है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन 50%, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्ट आर्क, डिफाइन एंड फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड गिव एन एग्जाम्पल, व्हाट इज मेंट बाय इफेक्टर्स, गिव एन एग्जाम्पल, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिसेप्टर एंड इफेक्टर्स, डिफाइन नर्व इम्पल्स, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स, व्हाट इज मेंट बाय माइलिन शीथ, राइट टू नेम्स ऑफ टू डिसऑर्डर्स ऑफ आई, व्हाट इज मेंट बाय ब्लाइंड स्पॉट, कंपेयर द फंक्शन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लाइकोगोन, व्हाट इज पैरालिसिस, राइट इट्स काजिस। और अंडरस्टैंड बेस्ड क्वेश्चन जो है 35%, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सटर्नल मिडल एंड इनर ईयर ऑफ द मैन, व्हाट आर शॉर्ट साइट एंड लॉन्ग साइट प्रॉब्लम एंड हाउ दिस कैन बी ट्रीटेड, एनालिस्ट द इम्पोर्टेंट सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ पैरालिसिस एंड एपिलेप्सी। ठीक है जी, ये अंडरस्टैंड बेस्ड क्वेश्चन है जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए। उसके बाद एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन 15%, एक्सप्लेन हाउ कलर ब्लाइंडनेस कुड बी अ हर्डल फॉर एयरक्राफ्ट पायलट्स, कंसेप्चुलाइज द हाउ साइंटिफिक एडवांसमेंट हैज हेल्प्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डायबिटीज। और इस चैप्टर में से बेटे लॉन्ग क्वेश्चन आपके तीन हैं, और वो कौन कौन से हैं, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, एक्सप्लेन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड एक्सप्लेन द थायराइड ग्लैंड्स। चैप्टर नंबर 13 स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट एंड मूवमेंट, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन बेटे 50%, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन, हाउ वुड यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑस्टियोपोरोसिस आर्थराइटिस, और डिफ्रेंशिएट बिटवीन लोकोमोशन एंड स्केलेटल सिस्टम, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन, व्हाट इज इलास्टिक कार्टिलेज, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंपैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन, डिफाइन वॉल एंड सॉकेट जॉइंट, गिव एन एग्जाम्पल, व्हाट आर हिंज जॉइंट्स, गिव एग्जाम्पल, राइट अबाउट जॉइंट एंड ऑल्सो राइट नेम ऑफ इट्स टाइप्स, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, व्हाट इज आर्थराइट्स, हाउ इट कैन बी ट्रीटेड, व्हाट इज मेंट बाय रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अंडरस्टैंड बेस्ड क्वेश्चन बेटे 35%, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ जॉइंट्स एंड गिव एग्जाम्पल, व्हाट आर लिगामेंट एंड टेंडन्स। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन 15%, स्टेट द प्रिंसिपल्स ऑफ आर्थोप्लास्टी फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ जॉइंट्स, रिलेट योर स्केलेटन विद इट्स फंक्शनिंग इन डेली लाइफ। लॉन्ग क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 13 में से बेटे सेट किए जा सकते हैं इस साल के लिए, डिफाइन कार्टिलेज, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, व्हाट इज आर्थराइटिस, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। ठीक है जी, ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 11 से लेके चैप्टर नंबर 13 तक जो है ना बेटे अभी तक बता दिए, और ये आप साथ साथ नोट भी करते जाएं, ताकि मैं ज़रा स्पीड इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों की वीडियो ज़रा शॉर्ट हो जाए, ठीक है, बाकी आप लोग इसको वीडियो को पास करके तो आसानी से आराम से जो है ना इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद चैप्टर नंबर 14 है बेटे रिप्रोडक्शन,
नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है 50%। व्हाट इज साइस्ट, व्हाट इज मेंट बाय मल्टीपल फिशन, व्हाट इज मेंट बाय फ्रेगमेंटेशन, गिव एन एग्जाम्पल, डिफाइन पार्थेनोजेसिस एंड गिव एग्जाम्पल, व्हाट आर सकर्स, गिव एन एग्जाम्पल, व्हाट इज मेंट बाय क्लोनिंग, व्हाट इज मेंट बाय डबल फर्टिलाइजेशन, डिफाइन पॉलिनेशन एंड नेम इट्स टाइप्स, व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एपिजियल एंड हाइपोजियल जर्मिनेशन, एंड क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन स्पर्मोटोजीनिया एंड ओगोजीनिया, व्हाट इज मेंट बाय एसटीडीज, गिव एग्जांपल, व्हाट डज एचआईवी स्टैंड्स फॉर। ये बेटे जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन थे, यानी बुक में जो क्वेश्चन थे, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन जो बॉक्सेस के क्वेश्चन है 35%। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन हाउ एपीजियल एंड हाइपोजियल जर्मिनेशन आर डिफरेंट, व्हाट कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिकल की बुनियाद के ऊपर, व्हाट इज फ्यूचर ऑफ ओव्यूल एंड ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर, व्हाट इज माइक्रो प्रोपगेशन। लॉन्ग क्वेश्चन बेटे चैप्टर नंबर 14 में से, एक्सप्लेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, राइट डाउन द नेसेसरी कंडीशन फॉर सीड जर्मिनेशन जर्मिनेशन, और एक्सप्लेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल रैबिट। चैप्टर नंबर 15 बेटे इनहेरिटेंस, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन 50%। डिफाइन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, व्हाट डू यू मीन बाय डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स, व्हाट आर होमोजाइगनियस एंड हेटरोजाइगनियस जीनोटाइप्स, डिफ्रेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन, डिफाइन जीनेटिक्स, डिफाइन जीन्स, डिस्क्राइब मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रेशन, डिस्क्राइब मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रेशन, डिफाइन को डोमिनेंस, गिव एन एग्जाम्पल, व्हाट इज मेंट बाय नेचुरल सिलेक्शन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्रीड्स एंड कल्टिवेटर्स। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन 35%। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमेटिन, राइट इन कंप्लीट डोमिनेंस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन 15%। व्हाट इज डोमिनेंस, रिलेशनशिप बिटवीन ब्लड ग्रुप एलील्स AI एंड AI। लॉन्ग क्वेश्चन, हाउ डज द DNA ऑफ क्रोमोसोम्स वर्क, एक्सप्लेन, डिफाइन या डिस्क्राइब मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रेशन, डिस्क्राइब मेंडल्स लॉ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। ये बेटे चैप्टर नंबर 15 तक आपके जो है ना वो गेस्ट पेपर मुकम्मल हो गए। चैप्टर नंबर 16 बेटे, मैन एंड इट्स एनवायरनमेंट, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन 50%। डिफ्रेंशिएट बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब, डिफ्रेंशिएट बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉर्निवर्स एंड हर्बीवर्स, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इकोपैरासाइट्स एंड एंडोपैरासाइट्स, डिफाइन सिम्बियोसिस, डिफाइन म्यूचुअलिज्म एंड आल्सो गिव एग्जाम्पल, डिफ्रेंशिएट बिटवीन म्यूचुअलिज्म एंड कैमेलिज्म, व्हाट इज मेंट बाय ग्लोबल वार्मिंग एंड इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, हाउ इज स्मोक फॉर्म्ड, गिव टू हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मोग। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन बेटे 35%। व्हाट डू यू मीन बाय पैरामिड्स ऑफ नंबर एंड बायोमास, काजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ द एयर एंड वाटर पोल्यूशन, हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज हैव कंट्रीब्यूटेड टू द लॉस ऑफ बैलेंस इन नेचर। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन 15%। आइडेंटिफाई एनवायरमेंटल बायोलॉजी प्रॉब्लम्स इन योर कम्युनिटी, व्हाट आर द काजेज एंड व्हाट शुड बी डन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। लॉन्ग क्वेश्चन बेटे, एक्सप्लेन कार्बन साइकिल, राइट अ नोट ऑन पैरासाइटिज्म, राइट अ नोट ऑन ग्लोबल वार्मिंग, एक्सप्लेन द 3R प्रिंसिपल। चैप्टर नंबर बेटे 17, बायोटेक्नोलॉजी, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन 50%। व्हाट इज ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज ट्रांसजेनिक थेरेपी, व्हाट इज मेंट बाय अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, राइट टू काजेज ऑफ फॉर्मिक एसिड, राइट टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, व्हाट इज यूरोकाइनेसिस, राइट इट्स फंक्शन, व्हाट इज थैमोसिन हार्मोन, गिव इट्स फंक्शन। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन 35%।
वट इज अ फर्मेंटर, डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ जीनेटिक इंजीनियरिंग इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंट। वट आर सिंगल प्रोटीन्स, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन 15% है। हाउ ह्यूमन बिगन यूजिंग 4000 BC, वट इज बेटा एंड्रोहिन। और इस चैप्टर में से बेटे जो लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट डाउन 5 एप्लीकेशन ऑफ फर्मेंटेशन, डिस्क्राइब बेसिक स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, राइट डाउन 5 अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। चैप्टर नंबर 8 बेटे फार्माकोलॉजी, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन 50%। डिफाइन फार्माकोलॉजी एंड ऑल्सो डिस्टिंग्विश इट्स फ्रॉम फार्मेसी। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेडिकल ड्रग एंड एडिक्टिव ड्रग, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनाल्जेसिक एंड एंटीबायोटिक। वॉट इज मैरिजुआना, टू विच कैटेगरी ऑफ एडिक्टिव ड्रग इट बिलोंग्स। डिफ्रेंशिएट बिटवीन नार्कोटिक्स एंड हेलोकोनजीन्स, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एंटीसेप्टिक्स एंड एंटीबायोटिक्स। वट इज आयोडीन, टिंक्योर, राइट इट्स यूज। वट आर सेडेटिव्स, गिव एन एग्जाम्पल। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, डिफाइन वैक्सीन। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन एप्लीकेशन जो 35% है। राइट अ नोट ऑन रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स, डिस्क्राइब द मॉडल ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन्स। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन 15%। वट आर इलीगल ड्रग्स, वट आर एंटीसेप्टिक्स, वट इज नॉन लिविंग ऑब्जेक्टिव्स, जोसेफ लिस्टर, वट इज इंट्रोड्यूस्ड। और लॉन्ग क्वेश्चन बेटे इसमें से, डिस्क्राइब 5 सोर्सेज ऑफ मेडिकल ड्रग्स, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एडिक्टिव ड्रग्स, डिफाइन वैक्सीन, एक्सप्लेन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन्स, एक्सप्लेन ड्रग एडिक्शन एंड एसोसिएट प्रॉब्लम्स। तो ये मैंने बच्चों आपके साथ 10th की बायोलॉजी के जो है ना वो गेस्ट पेपर सारे के सारे शेयर किए, और स्पीडी मैंने जरा बोला थोड़ा सा, तो वो मैं शुरू में आपको बता चुका हूँ कि जहाँ से आपको नहीं समझ आई आप काइंडली उसको वीडियो को पॉज करें, उसको नोट करें और उसको जो है ना आप लोग कर लें, ठीक है जी। तो ये आप लोग जो है ना इसको अच्छी तरह से नोट कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो। तो एंड दियात बेटे दुरूद पाक लाजमी तौर पर पढ़ लीजिएगा, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा फरमाए। और दूसरा जो है ना मैं आपको साथ ये भी बताता चलूँ कि शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस की मैंने लैदा जो है ना वो 2 वीडियोस बनाई हुई हैं और उनका जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप उसको कैरी करके, तो अगर आप सिर्फ शॉर्ट करना चाहते हैं तो देन आप वहाँ से शॉर्ट सिर्फ पिक कर लें, और आप सिर्फ लॉन्ग करना चाहते हैं देन आप लॉन्ग कर लें, ठीक है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।